This video is sponsored by KW Delhi 6. हेलो, दिस इज सुमन प्रसाद. होप आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे. जैसे कि मैं आपके सामने लास्ट वीडियो लेके आई थी, एब्स्ट्रैक्ट एक्रिलिक पेंटिंग, एंड होप आप लोगों को बहुत कुछ उससे सीखने को मिला होगा. तो दिस टाइम मैं आपके सामने एक सिंपल लैंडस्केप वाटर कलर में सिखाने वाली हूँ. मैं कलर्स यूज करती हूँ आर्टिस्ट वाटर कलर, एंड इसे यूज करने के लिए मैं राउंड ब्रश का इस्तेमाल करूंगी. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरह मैं एक ट्री बनाऊंगी, एक हाउस बनाऊंगी, एंड किस तरह से इसे मैं कंप्लीट आर्टवर्क बनाने वाली हूँ. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वाटर कलर पेंटिंग. तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं आप लोगों को एक सिंपल लैंडस्केप वाटर कलर में बताऊंगी. वाटर कलर में जब भी हम लोग कोई भी आर्टवर्क स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ही लाइट ड्राइंग करना पड़ता है. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग नटराज का HB पेंसिल या कोई भी HB पेंसिल आप लोग यूज़ करें. और अब मैं यहाँ ड्राइंग स्टार्ट करती हूँ. तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा, मैं इतना लाइट ड्राइंग करूंगी कि मे बी आपको शायद वो विजिबल ना हो कैमरे में. तो मैं एक छोटा सा हाउस बना रही हूँ, यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ. बहुत लाइट ड्रॉ कीजिएगा क्योंकि वाटर कलर इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट कलर जो कि बहुत विजिबल होता है, जिससे पेंसिल्स बहुत आर्टवर्क लाइंस बहुत विजिबल दिखते हैं. इसीलिए वाटर कलर में बहुत लाइट ड्रॉ करते हैं. मैं यहाँ पर एक हाउस बना रही हूँ और एक सिंपल सा मैं ट्री का एक व्यू दिखाऊंगी. जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज अ वेरी फॉर द बिगनर्स. तो मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको एक वाटर कलर आर्ट बताऊँ. तो दिस इज अ वेरी सिंपल ड्राइंग जो मैंने कंप्लीट कर दिया एक हाउस, और थोड़ा सा ऐसे मैंने ट्री का एक लेआउट किया है. नाउ अब हम लोग ट्री का शेप्स बनाएंगे. तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से मैं येलो में ग्रीन का सैपलिंग ले रही हूँ. अब थोड़ा जब कलर में पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से मैं ट्री का शेप्स क्रिएट कर रही हूँ. ब्रश बहुत ही रफली चलाइएगा, ठीक है. आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर कि ब्रश का स्ट्रोक्स कैसे चलता है वाटर कलर में, सिर्फ वो ध्यान दीजिएगा. मैंने भी थोड़ा सा डार्क शेड यूज किया है और मैं और थोड़ा सा ब्राउन एंड सैव ग्रीन यूज कर रही हूँ, एंड थोड़ा सा मैं ब्लैक ले रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डार्क दिखाना है. जहाँ जितना डार्क शेड करना है आपको, वहाँ उतना ही कम पानी का इस्तेमाल करना होगा. जैसे मैंने अभी शेड क्रिएट किया है ट्री का, अब मैं उस पर डार्क टोन क्रिएट कर रही हूँ. सो दैट उसका सेकेंड लेयर शेड्स क्रिएट कर रही हूँ. और वाटर कलर में ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि लाइट एंड डार्क का डायरेक्शंस मेंटेन करना होता है हमें. क्या आप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की. प्लीज विजिट एट साइट एंड ग्रैब द स्कीम बेनिफिट्स ऑफर फॉर लिमिटेड पीरियड. गो एंड रीड अ प्रोजेक्ट हाइलाइट्स. अब हम लोग थोड़ा डिटेल्स में काम करेंगे जिसमें हम लोग पतला ब्रश का भी यूज कर सकते हैं. ध्यान रखिएगा कि पानी का इस्तेमाल हम लोग कम से कम करें. और ये जैसे हम लोग यहाँ पर डोर और विंडो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे जितना अच्छा डिटेलिंग्स देंगे तो ज़्यादा वो इन्हेंस होगा आर्टवर्क. तो ये इससे बहुत अच्छे से आर्टवर्क इन्हेंस होता है जब आप डार्क का इस्तेमाल करते हैं. तो आपको बहुत अच्छे से इन्हेंस होगा. इतना ज़्यादा अच्छे से डिटेलिंग्स पे काम करेंगे आर्टवर्क आपका उतना ही इन्हेंस होते जाएगा.
जैसे कि ट्री है तो बहुत ध्यान से आप लोग बहुत जीरो नंबर ब्रश भी यूज कर सकते हैं ब्रांचेस वगैरह बनाने के लिए। इससे बहुत ही ब्यूटीफुली ट्री का लुक इन्हांस होता है जब आप ब्रांचेस क्रिएट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कोशिश कीजिए कि पतले ब्रश का इस्तेमाल करें इसके लिए आप। वाटर कलर की ब्यूटी इसी पे ही डिपेंड करती है कि आप किस तरह से किसी डार्क कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आर्टवर्क को इन्हांस करने के लिए। सो जब भी आप डार्क कलर का इस्तेमाल करें तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि बहुत संभाल के करें। आप देख सकते हो कि जिस तरह से मैं डार्क जहाँ जहाँ यूज़ कर रही होंगी वो ट्री कितना ब्यूटीफुली वे से इन्हांस हो रहा होगा। सो अभी मैंने यह स्ट्रोक्स क्रिएट किया है। अब मैं ग्राउंड का कलर बनाऊंगी तो इसके लिए थोड़ा सा ब्रश का स्ट्रोक थोड़ा मोटा ब्रश यूज़ कीजिएगा। 10 नंबर ब्रश ये मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं ग्राउंड का कलर क्रिएट करूँगी, थोड़ा ग्राउंड को इन्हांस करूँगी। तो थोड़ा सा ग्रीन रफ स्ट्रोक रखने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा ऑरेंजिश ऑकरिश येलो का शेड मैं दे रही हूँ ग्राउंड में। पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कीजिएगा, एकदम घबराने की बात नहीं है। जस्ट प्ले विद द कलर्स, कुछ भी खराब नहीं होता है वाटर कलर में। एक आर्टिस्ट की अच्छी निशानी यही होती है कि खराब काम को भी अच्छे से संभाल के करता है। सो अब मैं एक ट्री का शेप बना रही हूँ यहाँ पर कलर से ही। तो आप पानी का इस्तेमाल कम कीजिएगा। सो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि किस तरह से मैंने वाटर कलर का इस्तेमाल किया है, लेयर बाय लेयर वर्क किया है। एंड जब मुझे स्प्रेड करना था कलर बेसिक में तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे जैसे मेरे को लेयर डार्क करना था मैंने कम से कम पानी का इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हैं कि एक सिंपल लैंडस्केप यहाँ तैयार हो गया है। तो दिस इज़ द पेंटिंग आर्ट वर्क वाटर कलर का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। एंड किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डालिए। मुझसे जो भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे, आपकी क्वेरीज का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस एट 8010 9088888. Thank you.